नमस्ते दोस्तों, आप में से कितने लोगों को 5 साल की केस स्टडी को जाननी है जिस केस में पेशेंट के नीचे का जबड़ा है बहुत आगे आ चुका था और इन्हें फुल माउथ इम्प्लांट दिया गया था और ये दांत दिया गया था। यस मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, मैं इस मिशन पर हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकूँ कि वो फिक्स दांत लेके अच्छे से ज़िंदगी आत्मविश्वास से जी सके। तो आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, पेशेंट्स की काफ़ी केस स्टडीज है और काफ़ी पेशेंट्स के वीडियोस है। तो आज मैं इस केस में आपको बतानेवाला हूँ कि किस तरह इनके Class 3 रिलेशनशिप को हमने Class 1 में लाया। तो ये जो टेक्निक है ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल, इस टेक्निक द्वारा और पेशेंट के 5 साल के हमारे पास आज रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। सबसे हमें पहले जानना होगा कि Class 1 रिलेशनशिप क्या होता है, Class 2 रिलेशनशिप क्या होता है, Class 3 क्या होता है। तो Class 1 जो होता है ये काफ़ी नॉर्मल रिलेशनशिप है, ये काफ़ी लोगों में काफ़ी नॉर्मल तरीके में प्रेजेंट रहती है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो ऊपर का जबड़ा है वो स्लाइट आगे होता है और नीचे का जबड़ा स्लाइट पीछे होता है। पर ये जो Class 2 रिलेशनशिप है इसमें हमारा जो ऊपर का जबड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है और नीचे वाला जबड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर होता है, ये Class 2 रिलेशनशिप में होता है। Class 3 रिलेशनशिप में इससे उल्टा होता है, जिसमें नीचे का जबड़ा होता है वो काफ़ी बाहर होता है और ऊपर का जबड़ा काफ़ी अंदर हो जाता है कभी कभार। तो ये जो सिचुएशन है आज हम जो बताने वाला है, इस केस में पेशेंट का नीचे का जबड़ा काफ़ी बाहर था। तो जैसे आप देख सकते हो इस सिचुएशन में कि पेशेंट के नीचे का जबड़ा करीबन 10 से 12 सेंटीमीटर आगे था, आइडियली ये 1 से 2 मिलीमीटर ऊपर के जबड़े से पीछे होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये आगे आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में इनके दांत सब हिल रहते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर पेशेंट के मुंह में एक भी दांत नहीं है तो बिना ऑर्थोगनेटिक सर्जरी किए भी फुल माउथ इम्प्लांट हो सकता है। पर अगर आपके सिचुएशन में आपका जबड़ा इस तरह आगे है और आपके दांत सब मजबूत है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑर्थोगनेटिक सर्जरी के आइडियल पेशेंट हो। पर फिर भी आपके स्पेशलिस्ट या आपके डेंटिस्ट को डेफिनेटली जाके मिलेगा तो वो बता पाएंगे एग्जैक्टली आप किस तरह के पेशेंट हैं। तो ये सिचुएशन में इनके सब दांत हिल रहे थे, तो इसी कारण हमने इनमें फुल माउथ इम्प्लांट्स देने की कोशिश की और हम इसमें काफ़ी अच्छे से सफल हो गए। आपने देख लिया नीचे वाले फर्स्ट फोटो है जिसमें सब दांत निकाले गए हैं, फिर इम्प्लांट प्लेस किया गया और उस इम्प्लांट से हमने पेशेंट को दांत दे दिए। तो ये जो दांत दिए थे ये था, हमने 2015 में काम किया था। तो आप देख सकते हो जो एक्सरे है इसे आप दिख रहा होगा आपको कि नीचे के दांत काफ़ी बार आ चुके हैं, ऊपर आप लेफ्ट साइड में ये देख सकते हो और राइट साइड पर जो एक्सरे है मेरे ऊपर, इसमें आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से नीचे के वाले दांत है उसको सबको अंदर ले चुके हैं। तो ये पेशेंट की जो एक्सरे है ये डेंटल OPG एक्सरे कहते हैं, तो इनमें भी हमें पेशेंट्स की लेवल उसी वक्त पता चल गई कि कितनी स्टेबल है। तो ये 2015 का फोटो है जिसमें पहले और बाद में दिखाया था 3 दिन के बाद पेशेंट के ज़िंदगी में कैसे दांतों में और उनके प्रोफाइल में चेंज लाया गया था। ये जो दांत दिए गए इसे हाइब्रिड प्रोसेसेस बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रांजिशनल होता है, मतलब ये कुछ 5 दिन के लिए नहीं पर करीबन साल भर के लिए ईजिली कोई भी पेशेंट इसको टेम्पररी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेशेंट को भले 2 साल के लिए देते पर इन्होंने 5 ईयर्स अच्छे से यूज़ किए जो उसकी लाइफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज जो है वो पूरी तरह से घस चुके थे, फिर ये पेशेंट हमारे पास आए थे और हमने इस सिचुएशन में उनके जो दांत है जो टेम्पररी से अभी परमानेंट में कन्वर्ट किए, जिसे हम कहते हैं मेटल सिरेमिक प्रोसेसिस या फिर पोर्सलाइन के दांत। ये जो दांत होते हैं इसमें एक अलग ही चमक होती है, इनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है। ये सिचुएशन में ये दांत को हमने पेशेंट को 2020 में जो है आए थे तो हमने ये लगा दिया उनको। और फिर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पेशेंट हैप्पीली इनके प्रोफाइल में काफ़ी चेंज आ चुका है। और आप अगर देख सकते हो कि किस तरह से ये फरवरी 2020 में पेशेंट ने दांत अच्छे से ले लिए थे, उनकी स्माइल अभी फरवरी 2020 में, आप ये भी देख सकते हो कि पेशेंट की कितने खुश है। तो आप देख सकते हो कि पेशेंट्स किस तरह से हैप्पी होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन सॉल्यूशन हमेशा होता है, हमें आप हमेशा याद रखिएगा कि हम कोई भी सिचुएशन में पेशेंट्स को हैप्पी कर सकते हैं, उनकी जॉब उनकी कंडीशंस अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होगी तो भी ये मैनेजेबल होता है। तो अगर आपको लग रहा है इस वीडियो के द्वारा आप किसी के ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करिए, कॉमेंट करिए और लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए और मिलते रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जिससे हम आपसे कनेक्टेड आपसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।